Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing. देखो मैं अंदर हाथ भी डाल सकता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग. तो गाइज, जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि गाइज आज की वीडियो में हम एक 3D होलोग्राम बनाने वाले हैं. मुझे पता है ऐसी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन आज तक मैंने इसे खुद कभी ट्राई नहीं किया. तो सोचा अगर ट्राई कर ही रहा हूँ तो क्यों ना आपके साथ ट्राई की जाए. मेरे इतने सारे फ्रेंड हैं तो मैं क्यों अकेले ट्राई करूँ, है ना. और एक और बात, यूट्यूब में जो भी 3D होलोग्राम बनाए गए हैं वो अलग अलग टाइप के एक्सपेंसिव मटेरियल से बनाए गए हैं, जिसको शायद उनकी नॉर्मल ऑडियंस नहीं बना पाएगी, ठीक है. तो नॉर्मल ऑडियंस ये सोचते हैं कि शायद हम इसे नहीं बना सकते घर में, लेकिन आज की वीडियो में आप इसे घर पे बना लोगे बिल्कुल. मतलब पैसे की तो कोई बात ही नहीं, पैसे तो लगने ही नहीं वाले, और बहुत ही ज़्यादा कमाल का, और सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ईजी प्रोजेक्ट यही होने वाला है, और सबसे ज़्यादा कमाल का भी. सोचो कोई चीज़ 3D में आपके सामने चल रही होगी, शायद आपने ट्रेलर भी देखा होगा, ठीक है. तो चलिए ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं. वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है और जो प्रोजेक्ट बनाया है बहुत ही ईजी होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना. चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं. जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे. और वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इतनी मेहनत करता हूं आपके लिए तो एक लाइक तो बनता है, उसमें कंजूसी मत किया करो, लाइक कर दो. चलिए शुरू करते हैं. वैसे इस 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम अपने वर्किंग पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो इसको बनाने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस तरह के पन्नी का, ठीक है. आप इससे मोटी पन्नी का यूज़ कर सकते हो, या फिर एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट भी हो और साथ ही लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता हो, ठीक है. ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए प्लास्टिक में, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो. हम फिलहाल इससे ट्राई करेंगे क्योंकि मेरे पास फिलहाल वो नहीं है. और एक और बात, आप इसको बहुत अच्छा और क्लियर बनाना चाहते हो तो आप इसमें कांच के टुकड़े यूज़ कर सकते हो, जो कि बिल्कुल ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पे आप एक्रेलिक शीट जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो, अगर एक्रेलिक शीट नहीं होती मतलब न... अरे कहना क्या चाहते हो. गाइस, अगर आपको नहीं पता एक्रेलिक शीट क्या होती है तो मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि मेरे पास भी नहीं है, ठीक है. सो कोई बात नहीं, हम फिलहाल इसका यूज़ करके देखते हैं किस तरह का बनता है. चलिए बनाना शुरू करते हैं. वैसे तो इसको बनाने के दो तरह के मेथड है, लेकिन हम सबसे सिंपल वाला यूज़ करेंगे, जो कि सारे लोग यूज़ करते हैं, ठीक है. पहले हम उसका यूज़ करते हैं. चलो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको बनाने के लिए, जैसा कि आपको पता है एक पिरामिड टाइप का होता है उसको बनाएंगे, जिसका ऊपर वाला पार्ट कटा हुआ होता है, ठीक है. उल्टा करके रखते हैं, फिर उसमें होलोग्राम दिखाई देता है. तो चलो बनाते हैं, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा. तो गाइस, हम क्या करेंगे, इस तरह का जो पीस हमने पेपर का काटा है इसी को इसमें करके इस तरह के चार पीसेस इसमें से निकालेंगे. अब इसमें किसी तरह का मार्कर वगैरह तो चला नहीं सकते हैं, इसलिए हम इसको सीधा पेपर से कट करेंगे. तो चलो कर लेते हैं. इस तरह का एक पीस तो बन चुका है, ठीक है, और इस तरह के अब तीन और बनाते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ना भी पड़ेगा. तो गाइस, यहाँ पे हमने चार पीसेस कट कर लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो. और अब इन सबको चिपकाना है इस तरह से, ठीक है, चारों को चिपकाना है. और इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए हम सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है. तो चलो कर लेते हैं. तो गाइस, यहाँ पे हमने चारों पीसेस को कुछ इस तरह से चिपका लिया है, और बाद में आपको थोड़ा सा इस तरह से कर देना है, ठीक है, जिससे कि ये अपनी शेप में आ जाए. बस आपको ये ध्यान रखना, ज़्यादा पतला होगा अगर ये तो फिर नई शेप में आ पाएगा, थोड़ा सा इसको कड़क होना पड़ेगा, ठीक है. तो चलो अब जल्दी से टेस्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से काम करता है, काम करता भी है या नहीं. क्या तो हर हर गया बिल्कुल. तो गाइस, यहाँ पे हम आ गए हैं रूम में, ठीक है, और पहली बार मैं अपने बेड पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ जो है अंधेरे में देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. और यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से रख दिया है, ठीक है. जहाँ पे आपको 3D होलोग्राम प्रोजेक्ट करना है, पहले आपको 3D होलोग्राम वाली वीडियो मिल जाएगी इस तरीके की वीडियो में, ठीक है, इस तरह की वीडियो मिल जाएगी बहुत सारी, ठीक है, आप कोई भी चला सकते हो. उसके बाद आपको जहाँ चलाना है उसको साइड में, बिल्कुल उसके साइड में इस तरीके से इसको रख देना है,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर मैं इस वीडियो को चलाऊंगा तो आपको ये दिखेगा होलोग्राम 3D में। तो पहले लाइट को बंद कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं कितना मजा आता है। गाइस यहाँ पे मैं वीडियो को करने जा रहा हूँ स्टार्ट, ठीक है। और गाइस यहाँ पे देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। देखो मैं अंदर हाथ भी डाल सकता हूँ, काफी मजेदार सा दिख रहा है, ठीक है। और बिल्कुल अगर थोड़ा सा और नीचे कर दिया जाए तो देखो, ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थ दिखाई दे रहा है, देखो। और गाइस आपको एक और बात बता दूं, जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा उतना ज्यादा आपको चीजें क्लियर दिखाई देगी यहाँ पे। और गाइस 3D चीजों को देखने का जो मजा है ना, वो कुछ अलग ही है, देख लो, बिल्कुल देख सकते हो, काफी ज्यादा मस्त है। और अभी तो और भी चीजें आपको दिखाई देगी, देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे दो लोग हैं और मैं हाथ भी डाल सकता हूँ अंदर। काफी कमाल की बात लग रही है देखने में। और इस चीज को आप ट्राई करना, आपने देखा कितना ज्यादा सिंपल है, देख लो। इस तरह की चीजें को देखने का ना शौक सभी को होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो मेरा हाथ, अगर मैं अंदर डालूं तो थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दे इनको किस तरह का क्या हो रहा है, देख लो, ठीक है। आपको वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना गाइस। ये चीज बहुत इजी है और 100% आपको गारंटी देता हूँ, आप में से हर कोई इसे बना सकता है बिल्कुल घर पे, ठीक है। आपने तो देख ही लिया, मेकिंग भी देख ही लिया, ठीक है। अब बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है इसलिए मुझे वीडियो को एंड करना पड़ेगा, और वीडियो तो वैसे भी एंड ही करने आया हूँ। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, ज्यादा बजाऊंगा कॉपीराइट आ जाएगा, ये गाना ज्यादा बज रहा है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही, जिन लोगों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगली वीडियो मिलना चाहते हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतनी, तब तक के लिए गुड बाय।